ओम शांति, ओम शांति। तो रोज हमें ये पांच बातें चेक, रात में सोने के पहले, क्या वास्तव में मैं ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चा सच्चा ब्राह्मण हूं। तो रोज पहली बात क्या चेक करना, अमृत वेले का योग किया, न केवल किया लेकिन योग का संपूर्ण सुख लिया। दूसरी बात, मुरली, मुरली संगठन में जाकर के, सेंटर में जाकर के मुरली का सुख लिया। और तीसरा, ब्रह्मा भोजन योग युक्त होकर के साइलेंस में बाबा की याद में किया। चौथी बात, ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता की धारणा रही। और पांचवी बात, ब्रह्मचारी, सारा दिन हम ब्रह्मचारी बन करके अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना माना जो बाबा को पसंद वही हमें भी पसंद, जो बाबा को पसंद नहीं वो हमें भी। अच्छा, बाबा को क्या पसंद है? बाबा को पवित्र आत्माएं बहुत पसंद है, बाबा को ये ब्राह्मण परिवार बहुत पसंद है और हमें भी पसंद है, सभी को पसंद। लेकिन इस ब्राह्मण परिवार में किसी कोई एक ऐसा आ जाता है जिसे हम कहते इससे तो भगवान बचाए, इससे तो, इसके मुख से तो पत्थर ही निकलता है, इसके मुख से तो हमेशा ही जहर निकलता है, इससे तो दूर रहो। अच्छा, जिसको हम ये शब्द बोल रहे हैं उसको किसने पसंद किया था? बाबा ने, उसको भी तो पसंद किया है। और हम उसको कहते हैं नहीं नहीं इसको तो हटाओ, इसको दूर रखो। तो जो बाबा ने पसंद किया उससे हम दूर रहे, बाबा की पसंदगी और मेरी पसंदगी में तो अंतर हो गया, तो कैसे बनेंगे बाबा समान? तो हर ब्राह्मण आत्मा एक एक वो आत्मा है जिसको बाबा ने पसंद किया है, बाबा को बहुत प्यारा है, तो हमें भी। बाबा को ये ड्रामा बहुत पसंद है और हम कई बार अरे ये तो बड़ा गलत हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं हुआ, और बाबा कहते बहुत ही ठीक हुआ, बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे देखें, इसके ऊपर आप चिंतन करना कि बाबा को क्या क्या पसंद है, क्या वो मुझे भी पसंद है? अगर है तो कहेंगे बाप समान, नहीं है तो फिर दूर हैं। तो सच्चे ब्राह्मणों की ये पांचों निशानी, पांचों बातें रोज चेक करना, चेंज करना है, तब कहेंगे सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ओम शांति। तो अभी हम सभी 5-10 मिनट योग में बैठेंगे, उसके बाद फिर आपका दूसरा सेशन चालू होगा। आप 5 मिनट के लिए ब्रेक रहेगा, 5 मिनट में आप खड़े होकर थोड़ा सा एक्सरसाइज रिफ्रेश हो सकते हैं, और उसके बाद फिर ओम शांति।